तो गाइज आज हम आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एक डिपार्टमेंट है, इधर इन्होंने फिश फार्म भी बनाया हुआ है। आपको आज फिश फार्म का विजिट करवाते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के फिश फार्म पे, ठीक है। इधर इन्होंने मछलियाँ वगैरह रखी हुई हैं जो जूलॉजी के बच्चे हैं, और कुछ बाकी डिपार्टमेंट्स में भी एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उनके लिए कुछ तालाब वगैरह बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले ये है, ठीक है। इसके ही ऑपोजिट साइड पे भी इन्होंने ये पूरा डेवलप किया हुआ है, एक्वा कल्चर टाइप तालाब से बनाए हुए हैं। इसमें मछलियाँ वगैरह रखी हुई हैं आला आला नस्ल की। ये हमारे साथ अदन है, आपको बताएगा कौन कौन सी आला आला नस्ल की मछलियाँ रखी हुई हैं इन्होंने। तलापिया रखी है, और आजकल तो उसके जो है ना वो ही रखती हैं, जो बहुत जल्दी ग्रो करती है। इस वजह से उन्होंने इधर बच्चों की प्रैक्टिस के लिए वैसे रखी हैं, और ये सेल भी करते हैं मछलियाँ। वैसे तो बहुत हाई क्लास के नॉर्मल से मछलियाँ रखती हैं। तो अदन, आपने भी एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया इधर का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एक्सपीरियंस सही था, नॉर्मल था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, ठीक हो गया। और अब आप साथ देख भी सकते हैं तालाब, ठीक है। ये एक इस साइड पे है, वो इससे पीछे वाली साइड पे भी है। यही आप लोग तालाब वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इधर इन्होंने पूरी मछलियाँ वगैरह छोड़ी हुई हैं, और इधर से हमारी कुछ पुरानी यादें भी हैं, ठीक है। हम इधर आते होते थे तो ये आपको नीचे रोड़ी छोड़ी दिख रही होनी, वट्टे छट्टे हमें तालाब के अंदर फेंकते थे, जंप लगाएगी जिसके ज़्यादा वो जीत जाएगा। ये अदन अब आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाएगा, ये प्रैक्टिकल वर्जन आने लगा है। ये देखे दो गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्जन भी आपने देख लिया। अगर आप भी फिश फार्मिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो ठीक है, स्कोप तो है इसका, पाकिस्तान में यूज़ भी अच्छी हो रही है। प्रॉपर फीड वगैरह दें और रखें, बिल्कुल इनकी तरह ओपन ना छोड़ दें, थोड़ा सा इनका ख्याल कर लिया करना, ठीक है। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कैसे डेवलप कर सकते हो। इधर चीले में इनके पास बहुत, हाँ कई तालाब वगैरह के पास चीले वगैरह बहुत होती हैं, बहुत सारा दरख्त चीलों से भरा हुआ। चलो बॉस, नेक्स्ट आगे चलते हैं, पूरा ये दफा आप दिखा तो दे माशाल्लाह अपनी एग्री का। ये देखे ट्यूबवेल चला के फ्रेश फ्रेश पानी आ रहा है। और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बस आखिरी तालाब है, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इतना सा ही था हमारा फार्म, और वैसे देख सकते हैं आप इर्द गिर्द माशाल्लाह फुल नेचुरल ब्यूटी फील आती है यार यहाँ पे आके। तो अस्सलाम वालेकुम, आज आप लोगों को थोड़ा सा एग्री का जो फिश फार्म था वो दिखाया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मछलियों के बारे में, ठीक है। मतलब उनके नाम वगैरह ही हैं, ये वो फिश हैं जो कि कल्चरेबल हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फ्रेश वाटर में आप रख सकते हैं या खुद पाल सकते हैं, ठीक है। उनमें सबसे पहले है रोहू, ठीक है, ये रही रोहू। देन ये थीला, फिर ग्रास कार्प, देन सिल्वर कार्प, उसके अलावा गुलफाम जिसको कॉमन कार्प भी कहते हैं,
नाइल की लापिया, और फिर माय शेर, देन ब्राउन ट्राउट, और लास्ट वन रेनबो ट्राउट। ये सारी वो फिशेज हैं जो पाकिस्तान में कल्चरेबल मीडियम में रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी बस यही था। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़।